यस। उत्तराखंड के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में ये बड़ा हादसा, जहां पर जो है 30 यात्री जो मध्य प्रदेश के थे वो यमुनोत्री दर्शन के लिए निकले हुए थे और दामटा के पास ये सड़क हादसा हुआ है और यमुना नदी में बस जा गिरी है और उसमें 30 लोग सवार थे जिसमें से 4 जो घायल हैं वो हॉस्पिटल में हैं। जो मध्य प्रदेश से जिन यात्रियों को लेके आए हैं वो हमारे बीच में है, उनसे हम पूछेंगे कि कैसे कैसे और कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका और कैसे कैसे आप लोग आए थे? मेरा नाम है सर बिहारी अवस्थी, मैं पन्ना जिले का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से 20 तारीख को निकला हूँ, तो वहाँ से मैहर, चित्रकूट, इलाहाबाद, बनारस, सीतामढ़ी, जनकपुर, काठमांडू, गोरखपुर, अयोध्या होके हरिद्वार आया। हरिद्वार में 3 दिन पड़े रहे, बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन मिल पाया। आज वहाँ से 11 बजे निकले हैं और वहाँ से निकल के यहाँ टमडा के आगे वो वहाँ थोड़ी नाश्ता चाय की तो आ के यहाँ तक आए। यहाँ गाड़ी अच्छा, कितने लोग थे इसमें? उस गाड़ी में 28 लोग थे, 30 ड्राइवर कंडक्टर सहित 30 लोग थे। अच्छा, ये सब नजदीकी आप एक ही परिवार के थे या अलग अलग? अलग अलग परिवार के थे, अलग अलग गांव के। कौन से जिले के थे? पन्ना जिले के थे। बिल्कुल पन्ना जिला मध्य प्रदेश के श्रद्धालु थे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑल वेदर के तहत जो है धरासू से लेकर के जानकी चट्टी तक जो है स्वीकृत हो गया, लेकिन ये जो हरपटपुर से और बड़कोट बैंड तक का जो मार्ग है ये अभी तक चौड़ा नहीं हो पाया है, संकरा मार्ग है और संकरे मार्ग की वजह से ये बस हादसा हुआ है। जरूरत है ऐसे में कि इस मार्ग को चौड़े करने की। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री रोड, उत्तरकाशी।